जॉब संबंधी अपडेट पाने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवजागृति यूट्यूब चैनल में, जहां मैं लाता रहता हूं आपके लिए नई नई जॉब की जानकारी। और आज की जॉब में केंद्र सरकार द्वारा जारी एम्प्लॉयमेंट नीड्स का कंटेंट शामिल है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी अलग अलग विभागों से आई वैकेंसी की अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, हो सकता है अगली वैकेंसी आपके ही काम की हो। और हाँ, यहाँ हर विभाग की वैकेंसी के बारे में शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिससे जॉब से संबंधित सभी अपडेट्स आपको जल्दी जल्दी प्राप्त होते रहें और आपसे आपके काम की कोई भी जॉब मिस ना हो। जॉब से संबंधित अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में सभी जॉब के नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है, आप वहां क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं डेली जॉब अपडेट का ये एपिसोड। आप इसे लाइक जरूर करें हमारे मोटिवेशन के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों की हेल्प के लिए। साथियों, ये मई माह का रोजगार समाचार है और इस बार सरकारी रोजगार समाचार भी आया हुआ है। मैं उसी में से कुछ वैकेंसी के बारे में आपको बता रहा हूं। तो पहली वैकेंसी है वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सोसाइटीज कमीशन से। यहां 56 पद हैं क्लर्क ग्रेड 3 के, जूनियर असिस्टेंट के फीमेल के लिए है, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, अकाउंटेंट, बैंक असिस्टेंट, और इसके लिए शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन या बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। और एज लिमिट कम से कम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष निर्धारित की गई है। एग्जाम फीस इसमें ₹200 जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स को और ₹40 एससी एसटी कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। और लास्ट डेट आवेदन करने की 31 मई 2020 है। सैलरी इसमें ₹17,522 से ₹38,708 तक पर मंथ की है और ये आवेदन ऑनलाइन फिल किया जा सकता है। नेक्स्ट अगली वैकेंसी है छत्तीसगढ़ विधानसभा से। यहाँ 8 पद हैं रिपोर्टर के, जिसके लिए शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए और हिंदी शॉर्ट हैंड में 140 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ कम से कम आयु 31 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और बाकी अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है। एग्जाम फी ₹200 से लेकर के ₹350 तक अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के रूप में पे करने होंगे। लास्ट डेट आवेदन करने की 30 मई 2020 है। सैलरी यहां पर ₹56,100 से लेकर के ₹1,77,500 पर मंथ तक की है और ये आवेदन भी ऑनलाइन फिल किया जा सकता है। नेक्स्ट अगली वैकेंसी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। यहाँ 147 पद हैं ऑफिसर ग्रेड ए के, असिस्टेंट मैनेजर के। इसके लिए शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन इन लॉ, लॉ में ग्रेजुएशन होना चाहिए और इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, पीजी होना चाहिए और इसके लिए आयु सीमा मैक्सिमम 30 ईयर्स निर्धारित की गई है। एग्जाम फी यहां पर ₹100 से लेकर के ₹1,000 तक पे करने होंगे अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के रूप में। और लास्ट डेट आवेदन करने की 31 मई 2020 है। सैलरी इसमें ₹28,150 से ₹55,600 पर मंथ तक की है और ये आवेदन भी ऑनलाइन फिल किया जा सकता है। नेक्स्ट अगली वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी से। यहाँ ड्राइवर के पद हैं और जिसके लिए शैक्षिक योग्यता 10th क्लास पास होना चाहिए और एचएमबी लाइसेंस होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 50 इयर्स 50 साल है और इसमें आवेदन शुल्क कुछ भी जमा नहीं करना है। लास्ट डेट आवेदन करने की 30 जून 2020 है और सैलरी इसमें डीटीसी के नियम के अनुसार दी जाएगी। नेक्स्ट अगली वैकेंसी है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, बीपीएससी से। यहाँ 255 पद हैं असिस्टेंट इंजीनियर के, जिसके लिए शैक्षिक योग्यता बीई, बीटेक सिविल में, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। एज लिमिट 21 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक की आयु मेल के लिए और 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु फीमेल के लिए निर्धारित की गई है। एग्जाम फी इसमें ₹750 जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स को और ₹200 एससी एसटी पीएस और वुमेन कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क के रूप में पे करने होंगे। लास्ट डेट आवेदन करने की 2 जून 2020 है और सैलरी इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 9 के अनुसार दी जाएगी। नेक्स्ट अगली वैकेंसी है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड से।
यहाँ 163 पद हैं सिटी मैनेजर के, जिसके लिए शैक्षिक योग्यता MBA या फिर PG डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन पब्लिक में एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, और या फिर PG डिग्री इन टाउन में मैनेजर प्लानिंग और डेवलपमेंट में होनी चाहिए, और आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष निर्धारित की गई है। एग्जाम फी यहाँ पर 2200 रुपये जनरल SC ST EBC BC कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क के रूप में पे करने होंगे, जो बहुत ज़्यादा फीस है, और लास्ट डेट आवेदन करने की 27 मई 2020 है। सैलरी इसमें 40,000 रुपये पर मंथ की है। अगली वैकेंसी है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से NFL उत्तर प्रदेश से। यहाँ 52 पद हैं इंजीनियर के, मैनेजर के, सीनियर केमिस्ट के, जिसके लिए शैक्षिक योग्यता डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, और MSc केमिस्ट्री से होना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और एज लिमिट यहाँ पर 45 वर्ष अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। एग्जाम फी यहाँ पर 700 रुपये अनरिजर्व्ड EWS OBC कैंडिडेट्स को, और SC ST एक्स सर्विसमैन और PWBD को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है। लास्ट डेट आवेदन करने की 27 मई 2020 है। सैलरी यहाँ पर 9,300 रुपये से लेकर के 1,77,500 रुपये तक पर मंथ की है। नेक्स्ट अगली वैकेंसी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से CPCVC ऑल इंडिया। यहाँ पर 48 पद हैं LDC के, अटेंडेंट के, MTS, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसके लिए शैक्षिक योग्यता 8th क्लास पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए या डिप्लोमा भी होना चाहिए, या फिर BCom, MCom, इंटर, CA और अदर क्वालिफिकेशन भी पद के हिसाब से निर्धारित की गई है। एज लिमिट यहाँ पर आयु सीमा मैक्सिमम 45 वर्ष निर्धारित की गई है। एग्जाम फी यहाँ पर कोई भी जमा नहीं करनी है SC ST वुमेन कैंडिडेट्स को, PH कैंडिडेट्स को, और 500 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जनरल और OBC कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। लास्ट डेट आवेदन करने की 5 जून 2020 है। नेक्स्ट अगली वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से। यहाँ 200 पद हैं कम्बाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस PCS एग्जाम के, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ACF के सर्विस एग्जाम और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के, और यहाँ पर इसके लिए शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए, आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। एग्जाम भी यहाँ पर 25 रुपये से लेकर के 125 रुपये तक पे करने होंगे अभ्यर्थियों को। लास्ट डेट आवेदन करने की 31 मई 2020 है। सैलरी 9,300 रुपये से लेकर के 39,100 रुपये पर मंथ तक की है। नेक्स्ट अगली वैकेंसी है SGPGI से लखनऊ से। यहाँ पर 4 पद हैं फील्ड वर्कर और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के, जिसके लिए शैक्षिक योग्यता 12th क्लास पास होना चाहिए साइंस में, और BSc नर्सिंग या फिर MSc फूड एंड न्यूट्रिशन में, और ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस या टेक्नोलॉजी में, और एज लिमिट यहाँ पर नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड नहीं की गई है। एग्जाम फी कोई भी जमा नहीं करनी है। लास्ट डेट आवेदन करने की 30 मई 2020 है। सैलरी इसमें 15,000 रुपये से लेकर के 22,000 रुपये पर मंथ तक की है। नेक्स्ट अगली वैकेंसी है आसाम पुलिस से। यहाँ 204 पद हैं जूनियर असिस्टेंट के और स्टेनोग्राफर के, जिसके लिए शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी में सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। एज लिमिट कम से कम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 38 वर्ष होनी चाहिए। एग्जाम फी इसमें कोई भी जमा नहीं करनी है, और लास्ट डेट आवेदन करने की 15 जून 2020 है। सैलरी इसमें 14,000 रुपये से लेकर के 49,000 रुपये पर मंथ तक की निर्धारित की गई है, और प्लस ग्रेड फी भी है, और ये आवेदन केवल आसाम स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए ही है। नेक्स्ट अगली वैकेंसी है कैंटोनमेंट बोर्ड से हिमाचल प्रदेश से। यहाँ 13 पद हैं क्लर्क, फायरमैन, सफाई वाला, मजदूर, बैरियर गार्ड, एक्सरे टेक्नीशियन के, जिसके लिए शैक्षिक योग्यता 8th क्लास पास या 12th क्लास डिप्लोमा BSc इन रेडियोलॉजी में MBBS होना चाहिए, और आयु सीमा यहाँ पर कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। एग्जाम फी 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक अभ्यर्थियों को पे करने होंगे आवेदन शुल्क के रूप में, और लास्ट डेट आवेदन करने की 15 जुलाई 2020 है। सैलरी यहाँ पर अच्छी है और 4,900 रुपये से लेकर के 39,100 रुपये पर मंथ तक की है।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।